सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शोभित चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डेटा का उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट, उस पर सब सीरियस एलिगेशन मेड बाय नितेश राणे जी ने, जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस हो रहे हैं, सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध, अनाथ आश्रम से लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया, इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे। सुशांत के बाद बदल गया बॉलीवुड, सुशांत के बाद बदल गए उन लोगों की फिल्मों के नतीजे जिनकी फिल्मों का लोग इंतजार करते थे, बदल गए वो दिन जब फिल्में हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। और आज एक ऐसी ही फिल्म की हम बात करने वाले हैं, टाइगर थ्री। क्या टाइगर थ्री ने सही में इतिहास रचा है या फिर ये आंकड़े कुछ अलग ही तरीके से दिखाए जा रहे हैं? और वहीं पर दूसरी तरफ बात करेंगे कि सलमान खान को लेकर एक ऐसा खुलासा किया गया जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच चुका है। मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि सलमान खान को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। किसने बोली है वो बताने से पहले आपको बता दिया जाए, बोला ये जा रहा है कि सलमान खान को लड़कियों का शौक, सलमान खान 6-7 साल में हर लड़की को बदल देते हैं, ग्लोबल में हाथ रखते हैं और जहाँ पर हाथ आता है, मतलब आँखें बंद करी हाथ रखा, जो उस देश में हाथ गया उस देश की लड़की को गर्लफ्रेंड मनाते हैं। ऐसा दावा हमने बिल्कुल नहीं किया है और ना ही भैया हम ये जानते हैं। ये दावा किया गया है उन्हीं की एक गर्लफ्रेंड जो रह चुकी है उनकी, जिनका नाम था सूमी अली, मतलब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सूमी अली ने ये बात बोली, और ये बात उन्होंने बोली बहुत पहले थी, पर वो इंटरव्यू, वो वीडियो क्लिप, वो सारी बातें अब वायरल होनी शुरू हो गई है जब से उनकी टाइगर थ्री फिल्म निकल के आई है। और दावा ये किया गया था सूमी अली के द्वारा कि सलमान को सबसे ज़्यादा लड़कियों का शौक है, हर 6-7 साल में वो बोर हो जाते हैं एक रिलेशन से और फिर नया रिलेशन बनाते हैं और जिस कंट्री में हाथ रखते हैं वहीं की लड़की से रिलेशन बनाते हैं। ऐसा दावा जब किया गया सूमी अली के द्वारा तो हड़कंप मच गया भैया कि सूमी अली ने जो बातें बोली है, सूमी अली पहले भी कई बातें बता चुकी हैं, सलमान के प्यार के कारण वो अपने देश से भारत आई और मैंने प्यार किया फिल्म से, उनको सलमान पसंद आए, सलमान के साथ उनका रिलेशन कैसा रहा, कितना अच्छा कितना बुरा रहा सब उन्होंने बताया, पर अब जो बड़े खुलासे वो कर रही हैं ये कहीं ना कहीं चौंका देते हैं। वहीं पे आपको बताया जाए कि दूसरी तरफ जहां पर इंतजार होता था एक वक्त पर कि फिल्में आएंगी दिवाली पर, ईद पर या फिर क्रिसमस पर, फिल्में सुपर हिट हो जाएंगी, डुपर हिट हो जाएंगी, पर फिल्में तो हिट दिखाई जाती हैं पर क्या सही में फिल्में हिट हो रही हैं, क्या सही में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये आंकड़े सही में बताए जा रहे हैं इतने ही हैं या इसमें कुछ उलटफेर हो रहा है? आपको पहले बता दिया जाए कि सुशांत केस होने के बाद फिल्मों का हाल तो बेहाल हुआ था, कई लोग जाते हैं देखने, कई नहीं जाते हैं, और अब लोगों की एक अच्छी कहानी बन गई है कि लोग फिल्म में स्टोरी देखते हैं, ना कि सिर्फ किसी आदमी को देखते हैं जो फिल्म में काम कर रहा है, उसको देखा, हाँ इसको देख लिया, फिल्म चल गई, फिल्म हमने देख ली। लोगों का मैंने खुद रिएक्शन सुना है, लोगों ने कहा भैया हम टाइगर थ्री देख कर आए हैं, एक्शन अच्छा है फिल्म में, स्टोरी कहाँ है? अब सवाल ये उठता है कि भैया स्टोरी नहीं है तो एक्शन के तौर पे क्या हुआ? किसी ने कहा कि भैया ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कई अलग अलग बातें बोली गई, लोगों के रिएक्शन में चीज़ें निकल के आई हैं। वहीं पे दावा हो रहा है कि पहले दिन इस फिल्म ने 44 करोड़ कमा लिए, 44, अगले दिन कमाए 58 और उसके बाद तीसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन लुढ़क गया, 42 पे आके अटक गया। वहीं पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि भैया फिल्म ने तो 2 दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 102 करोड़ कमा लिए और आप कह रहे हो कि तीसरे दिन 42 करोड़ ही कमाए हैं। हम कुछ दावा नहीं कर रहे हैं, ये दावा मीडिया कर रही है और एक दावा सोशल मीडिया भी कर रही है, और कहीं ना कहीं केआरके को तो आप भूल ही नहीं सकते, केआरके अपने दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दावों को देखने के बाद आप खुद सोचिए कि सही में इन फिल्मों ने इतना कमाया क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, ये अपने आप पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इन आंकड़ों का महत्व तो बहुत होगा शायद अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए, पर सही में क्या इतने ही फिल्मों ने कमाए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया अलग दावे करता है और कुछ क्रिटिक्स हैं और हमारे देश की जो मीडिया है वो अलग दावा करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा कि अगर आप देख के आए हैं टाइगर थ्री फिल्म तो आपको उस फिल्म के अंदर एक्शन और स्टोरी दोनों मिली है या फिर सिर्फ एक्शन मिला है स्टोरी गायब मिली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।